अभी मैं जा रहा हूँ करंसी एक्सचेंज करवाने के लिए। करंसी एक्सचेंज करवानी है और थोड़ा खाना वगैरह खाना है, इस वजह से कुछ नहीं खाया। बाकी चल के देखते हैं, थोड़ा यहाँ से सिटी सेंटर थोड़ा है, थोड़ा दूर, शायद 1-1.5 किलोमीटर होगा मेरे हॉस्टल से। चलते हैं वहाँ पे देखते हैं। मेरे साथ एक पंगा बना हुआ जी। चलते चलते 3 किलोमीटर मैं इतनी दूर आ गया हूँ, लेकिन मुझे कोई मनी एक्सचेंज नहीं मिल रहा। मनी एक्सचेंज है बैग में, 2-3 बैग में पता किया, लेकिन वो सिर्फ डॉलर, यूरो, तुर्किश करेंसी, बस ये 2-3 करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, सऊदी रियाल एक्सचेंज नहीं कर रहे। ये जी वैसे यहाँ पर ड्रामा मैंने देखा, इतनी बड़ी कंट्री है तो यहाँ पर उन्होंने करेंसी एक्सचेंज का भी सिस्टम रखा हुआ। जॉर्जिया में जगह जगह पर आपको मिलेंगे करेंसी एक्सचेंज, इस तरह हाथ से जॉर्जिया ठीक है। आप लोग भी जब भी सऊदिया कह रहा हूँ, अज़रबैजान आएँ तो साथ में करेंसी ले के आएँ, नहीं तो यहाँ पे आके आपको मेरी तरह ना मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, देखिए अल्लाह करे कोई मिल ही जाए बैंक मुझे ऐसा जो सऊदी रियाल एक्सचेंज कर दे मुझे। फाइनली मिल ही गया चेंज करने वाला बैंक, तुरान बैंक। देखते हैं अभी क्या रेट देते हैं ये। करेंसी मैंने एक्सचेंज करवा ली है जी, 500 सऊदी रियाल एक्सचेंज करवाए हैं, जिसके उसने मुझे 200 दिया है, मतलब 0.40 एक्सचेंज रेट उसने मुझे दिया है। तो थोड़ा मतलब कह लेंगे ज़्यादा ही रेट उसने काटा है, मतलब वैसे अगर गूगल पे चेक करो 0.46 बता रहा है, लेकिन इसने मुझे 0.40 के हिसाब से दिए हैं। बहरहाल क्या हो सकता है, अब यहाँ पे ज़लालत काटने से बेहतर है कि चलो एक्सचेंज करवा के अब अपने जो काम करने वो तो करना ही है ना, ज़रूरी है वो तो। बहरहाल चलते हैं। जी खाना खाने के लिए यहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट एक देखे मैंने ऑनलाइन ऐप पे, चल के वहाँ पे खाना टेस्ट करते हैं। सुबह से बहुत भूल गई, खाना कुछ नहीं खाया, पास में पैसे नहीं थे। ये आप लोग भी गलती ना कीजिएगा, अगर अज़रबैजान आना है तो आप लोग लाजिम साथ में अपने पैसे लेके आए, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज करवा के। अदरवाइज़ आपको भी यहाँ पर आकर ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, फिर आपको रेट बहुत कम मिलेगा। देखिए जी हमारे पाकिस्तान की वैल्यू, हमारा झंडा यहाँ पर भी लहरा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कुछ खाने को मिलेगा? थैंक यू। खाना खा के जस्ट अभी बाहर निकला हूँ मैं। अच्छा खाना था, पाकिस्तानी होटल था, और मैंने एक आलू का पराठा लिया था और साथ चना मसाला और एक लस्सी ली थी, तो मेरे टोटल 13 मंथ बने हैं यहाँ की करेंसी के। तो ठीक है, अभी बार्बर शॉप देख रहा हूँ मैं, एक बंदे से पूछा तो वह कह रहा पाकिस्तानी है यहाँ पे एक बार्बर शॉप, वो थोड़ा सस्ता है, वहाँ चले जाओ। चल के देखता हूँ। मैं भी बार्बर शॉप देख रहा हूँ, मुझे दाढ़ी सेट करवानी थी, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट से लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।